Welcome to the Royal Stag Boombox Reunion Bash. इस पिंक पैंथर को देख के कैसा लग रहा है? मैं भी शगुफ्ता गुलबहार बन के आया. हेलो हेलो, माहौल बन गया, बाली आया, लॉल बन गया. बाली ने गाना भेजा था, मुझे पसंद नहीं आया. मेरे बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके वापस भेज दिया. अभी तो ना नहीं बोल सकते. तो फट गया उसको सिलो, वरना फटा हुआ दूध ही पी. Let's get started. Okay, listen up, yeah. Tum aao near, you gotta hear. Singers aaye hue hain sabse dear, jinme koi bhi nahi hai fear, जब साथ ये आए तो स्टार्ट हुआ ट्रेंड. मेलोडी हिप हॉप सब हुए हैं ब्लेंड. किक एस म्यूजिक डांस एक्सट्रीम. ऐसी वाइब है बनी जैसे हो कोई ड्रीम, जैसे हो कोई ड्रीम, जैसे हो कोई ड्रीम, जैसे हो कोई ड्रीम. रॉक स्टार्स ने दिया हिप हॉप को न्यू विजन. फैंस को मिला है म्यूजिक जीने का एक रीजन. जब फिनिश हुआ ये पहले वाला सीजन, मैंने कर दिया देखो रीयूनियन. रीयूनियन आजो आजो रीयूनियन. शुरू कर रहे हैं रीयूनियन. लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम नहीं वेल ज्यादा एवरीबॉडी टू रॉयल स्टैग बूम बॉक्स रीयूनियन बैश, बिकॉज न्यू म्यूजिकल वाइब क्रिएट करके ज्यादा हंगामा किसने मचाया. मेलोडी के सुपरस्टार्स को हिप हॉप के बीच से कोलैब करके सबसे ज्यादा तूफानी परफॉर्मेंसेस कौन ले आया? मणिपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, इंदौर और पुणे में किसने सबसे ज्यादा अंगार परफॉर्मेंसेस करवाए? और चार बस सॉन्ग्स के साथ ओरिजिनल साउंड ऑफ जनरेशन लार्ज किसने बनाया? द वन एंड ओनली रॉयल स्टैग बूम बॉक्स ने. वी गॉट इमेंस लव फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री और हमने डिसाइड किया कि सक्सेस का सेलिब्रेशन होगा फुल ऑन. Let's live it large. Okay, आ रहे हैं वो duo who set the stage ablaze, जिनके collab को देखकर हम सब हुए हैं amazed. एक है the queen of mesmerizing vocals and दूसरा है the king of lyrical flow. They made their mark and the world did know. Please welcome the hustler and hip hop की जान EPR along with Pitch Perfect, आपकी favorite, मेरी favorite, Neeti Mohan. Neeti, EPR, इस पिंक पैंथर को देख के कैसा लग रहा है? ये रंग चुभ तो नहीं रहा तुम्हारी आंखों में? मैं भी शगुफ्ता गुलबहार बन के आया. You mean flower? मैं शगुफ्ता गुलबहार बन के आया हूँ. फ्लावर है ये. ये दोनों फ्लावर नहीं, फायर हैं असली में. बिफोर आई स्टार्ट दिस, मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ सबके सामने. Neeti वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट फ्रेंड्स इन मुंबई एंड टचवुड पीपल लाइक Neeti मेक यू बिलीव दैट ये जो शहर है आपको प्यार देता है, अच्छी चीजें देता है. Neeti, थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई लव यू. I love you so much, Pari, and I see the growth that I see you. You know, I see so much that you've done, not only just acting, but as RJ. You are so great. Thank you, Neeti. I love you. And I feel super proud when I see you. Thank you so much. देखो ये इधर तारीफ कर रही है, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ. इसी के लिए शो बनाया है, इसे म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब. EPR, coming to you, sir, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि देखो क्या ना हिप हॉप स्पेस का नहीं एक कल्चर है कि ये नाम चेंज करके आना, तो पहली बात तो EPR का मतलब क्या है और असली नाम क्या है ये जानना चाहता हूँ. सर जी ये बात है कि आई कम फ्रॉम तमिलनाडु, तो हम लोगों के नाम बहुत बड़े होते, लंबे होते हैं. माय फुल नेम इज यज्ञ स्वामी कृष्ण स्वामी संथानम श्रीनिवासन अय्यर. फिगर आउट कर ही लिए होंगे. मतलब ये अपने आप में एक रैप था सर मेरे लिए. दोबारा बताएं.
यज्ञस्वामी, कृष्णस्वामी, संथानम, श्रीनिवासन अय्यर। नीति देखिए ऐसा है, आपकी इतनी प्यारी कोलैबोरेशन रही है, नाम तो याद होगा, नाम क्या है उस बंदे का बताना जरा। यज्ञस्वामी, कृष्णस्वामी, संथानम, श्रीनिवासन अय्यर। एब्सोल्युटली ब्रो, मुझे लगता था कि अपार शक्ति खुराना बहुत लंबा नाम है, फिर मैं ईपीआर को मिला। तो बट ईपीआर क्यों एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म? ईपीआर का मतलब एमसी पोएट रैपर, जो मैं करता हूं, एमसी पोएट्री एंड रैप। क्या बात है, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, सो टेल मी समथिंग, हाउ इज इट कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर? नीति, स्टार्टिंग विद यू। फर्स्टली, मैंने जब ईपीआर के बारे में सुना दैट आई हैव टू कोलैबोरेट विद हिम, आई गॉट वेरी एक्साइटेड, बिकॉज एक फिल्म सॉन्ग्स की जो ट्रीटमेंट होती है और जिस तरह से उनको एक स्टोरी बताई जाती है, फिल्म में ये होने वाला है, आपने ऐसे गाना ये गाना है, बट कोलैबोरेटिंग लाइक इट्स हिप हॉप मीट्स मेलोडी, यू नो, सो दैट इज आवर जेन्युइन कोलैबोरेशन। एंड व्हेन आई मेट हिम, आई हर्ड द सॉन्ग, फर्स्टली मैंने बैठ के बोला पहले तो लिरिक्स समझाएं आप, बिकॉज इतनी इंटेंस उर्दू ही पहले तो बहुत इंटेंस है, पर इतनी इंटेंस, इतने खूबसूरत अल्फाजों को ढूंढ के उसको रैप में डालना, उसको मेलोडी में डालना, आई वॉज ब्लोन। फिर मैंने बैठ के पूरा ट्रांसलेशन उनसे समझा एंड आई रियली फील ब्लेस्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग लाइक इम्तिहान, एंड व्हाट अ क्रिएशन बाय हिम, फैंटास्टिक। आई हैव ओनली सीन हर इन स्क्रीन्स एंड शी वाज माय ड्रीम कोलैबोरेशन एंड थैंक्स to the universe ki aaj mujhe ye mauka mila hai and we successfully did it. Wow. And I was so tense jab main studio mein tha and she is going to come and I was like so tense ki main kaise present, main unko kaise bata sakun, and she has got a very super strong work ethic and I had an amazing time and one of my favorite tracks ever. Touch wood, superb yaar. Yaar Neeti, batao mujhe kaisa lagta hai whenever, you know, see, these songs are all your babies, you know, so jab itna sa pyar milta hai apne bachche ko to kaisa lagta hai? So we performed this song together. Yeah. और हमने देहरादून में परफॉर्म किया लाइव ये सॉन्ग को, इसकी वीडियो को फर्स्ट टाइम प्रीमियर किया एंड वी वर रियली नर्वस दैट ऑडियंस को कैसा लगेगा एंड इट वाज ह्यूज कॉन्सर्ट, लाइक देयर वर लाइक 15,000 पीपल और काफी लोग थे. सो वहाँ फर्स्ट टाइम जब वो सॉन्ग प्रीमियर हुआ और हमने परफॉर्म किया, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट, इवन लास्ट रो में लोग जो खड़े हैं, इवन दे वर लाइक grooving to the song and sabne bola we want to hear this song again, we want to hear this song again. I think that makes you feel like ki humne jo bhi ye mehnat ki hai, then right from writing the song to recording to shooting the music video, I think acha ho gaya. So the love we are getting on social media, thank you everyone for appreciating our song, we are very very proud of it. Absolutely. So EPR Neeti, dekho imtihan sare paar ho chuke hain, sab samay pass ho chuke ho, aap teen pyari collab jo banayi, pyari pyari achhi baatein bhi ho gayi. I want to know the wrong side of it. कोई तो ऐसा creative tip हुआ होगा where you thought, okay, yeah, this is not correct, yeah. Neeti, this is not done, yeah. अरे EPR, this is not done, yeah. एक ही tough बात थी कि गाना ही बड़ा tough था. मैंने कहा ये एक मिनट, दश्ते तमन्ना, मतलब what is the lyrics? मतलब इम्तिहान है उर्दू. पहले तो मैंने कहा मेरा ही इम्तिहान हो रहा है कि ये गाया कैसे जाएगा. But genuinely it was very tough. Yeah. The song. तो वो चार गाने release हुए हैं. हाँ. है ना? अब इम्तिहान ये है कि आपका फेवरेट कौन सा? Of course, you can't take your songs name. आपका फेवरेट कौन सा गाना है? मोहब्बत is my pick. I feel like it's something that will connect instantly with everyone. और वो मतलब मैं मुझे लग रहा है कि हर शादी में play. कुछ quirkiness है उसकी. कुछ quirkiness है ना, I just love मोहब्बत. तो on that note ऐसा करते हैं ना, जब we love मोहब्बत तो ये मोहब्बत को आगे बढ़ा ही देते हैं. Absolutely. Mohabbat is also one of my favorite tracks because Amit Trivedi does not create music, he is music. Aur Slow Cheetah ke naam mein slow hoga zarur, but jis raftaar se wo aage badh raha hai, not only as a musician but as an actor and overall artist, main keh raha hu uski growth dekhkar maza aa raha hai. So let's meet the men jinhone Mohabbat gaane se pure India ko Mohabbat karwai hai, the maestro Amit Trivedi and the rap star Slow Cheetah. लग रहा है मोहब्बत की जल्द ही सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हो जाएगी. पोलाइट लगिन. तो ये जो मोहब्बत से मोहब्बत होती जा रही है, एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग, लव द वीडियो, टेल मी कैसी रही वाइब ऑन द डे ऑफ द शूट? डे ऑफ द शूट तो सेट देख के हम लोग फिदा हो गए थे. आई तो रियली लव द सेट, इट वाज ब्यूटीफुली, मतलब बहुत अच्छा सेट था और हिज एनर्जी इज अमेजिंग. ही एंड हिज वाइफ इज आल्सो फीचर्ड इन द वीडियो. आई नो. Of course, they both are actors and proper actors. Yeah. और मैं तो nervous था कि बाबरे, how do I do this with these guys? But
बन गया, होते होते हो गया, होते होते हो गया स्टार है ये, आपने वीडियो देखा है, ये क्या किल किए आप तीनों मिलकर, इतने कमाल का माहौल में रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं बट सही है, हम भी वीडियो देख रहे थे और हम मजा मैं आई एम सीइंग इट विद श्वेता एंड वी बोथ आर लाइक यार त्रिवेदी साहब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्या कर रहे हैं यार ये बोल डाल। आज भी मेरा थॉट यही है, क्यों नहीं थी आज भी, कुछ अलग से नजर आ रहे हैं, स्वैग लेवल अप हो गया है त्रिवेदी साहब का। जो स्वैग है ना ये छुपा के रखते हैं, सिर्फ ये कैमरा पे दिखाते हैं। आपने उस वीडियो में इतना जो आपका स्वैग दिखाया, इट्स लुकिंग सुपर। आप लोग ऐसे आर्ट कलाकारों का बड़प्पन है जो बोल रहे हो, थैंक यू सो मच, सच में बोल रहा हूँ। बट अमित पाजी, नाउ कमिंग टू द मेन मुद्दा, ये ऑडियो क्रैक करने का, ये कॉम्पोजिशन क्रैक करने का, ये हर बार जो आपने ठेका उठा के रखा है, आई एग्री, ये आप हर बार कैसे कर लेते हो? वन मोर टाइम, कैसे कर लेते हो? गाने का नाम मोहब्बत है, मोहब्बत में खाइए सर ठोकरे बड़ा हेल्प करता है वो। गॉड, मोहब्बत में खाइए ठोकरे। तो यार चीता, टेल मी समथिंग यार, कैसा लगा कोलैबोरेट करके अमित त्रिवेदी के साथ? अमित त्रिवेदी इज करेक्ट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। आई थिंक मतलब कहने की जरूरत नहीं यार, ड्रीम कोलैबोरेशन किसी का भी होगा। मेरे को सपने में नहीं लगा था इतना जल्दी कोई फोन करेगा बोलेगा अमित त्रिवेदी के साथ गाना करना है क्या, क्योंकि ये मेरे जिंदगी के हर खुश दुख में शामिल हुए, इनको पता भी नहीं होगा। बट एनी बिग ओकेजन हैज अमित त्रिवेदी सॉन्ग्स प्लेइंग, दैट्स ट्रू, यू नो, यू लिसन टू वन ऑफ द अदर अमित त्रिवेदी सॉन्ग get through a situation in life, and I feel like to get to make a song with him was sort of the music school that I never attended. It's just dreams come true, man. Dreams do come true. So Amit Bhaji, audio ke time pe when the things got started, to us time pe jab collaboration ka first stance aata hai ki okay we are supposed to work together on a song, he comes from a very different space, aap bahut different space se aate hain, to wo collaboration kaisa tha? Definitely naam slow hai par he raps very really, really fast. Bilkul bhi wahan pe laga nahi, and then bole ye to maza aayega, and then आइडिया वॉज दे आर जो इस पूरे शो का कॉन्सेप्ट है इस कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड मीट्स हिप हॉप, तो मैं बोला यार ये कैसे किया जाए, तो थोड़ा सा बॉलीवुड तड़का और हिप हॉप को मिक्स करके पूरा एक नॉट अ फिल्मी सॉन्ग, बट इट्स कहीं बीच में ऐसा क्रैक किया, करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यार टेल मी समथिंग, स्लो बोलूँ, चीता बोलूँ, चैतन्य बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। टेल मी समथिंग स्लो, चीता, चैतन्य, दूसरी बार शादी करके कैसा लगा? यार मैं आपको बताता हूँ, श्वेता और मेरा ना एक ऐसा इट्स अ कॉन्वर्सेशन वी हैव ऑफन। तो हमारी शादी हो गई और फिर हमने कहा यार बहुत मजा आया, शादी एक बार नहीं काफी बार होनी चाहिए। एंड दिस सॉन्ग नेम इज मेरा मजहब मोहब्बत। तो मैं कहा देखो, और वो बोलती है ना कि हमारे कोई शादी पे ये मरून 5 लाएंगे, किसी पे इनको लाएंगे, उनको लाएंगे, तो सपने तो बड़े ही देखते ना। जी जी जी। तो मैंने कहा ये दूसरी शादी तो हो गई, और वो शादी पे अमित त्रिवेदी परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं कहा भाई ये इससे बेटर नहीं हो सकती, वी टॉप्ड इट। ये सही है। तो यार हम सब स्लो चीता बुलाते हैं, श्वेता क्या बुलाती है तुम्हें? मैं अगर आपको बोल दूं श्वेता क्या बुलाती है तो मेरा पूरा इमेज टूट जाएगा। वो कहेंगे भाई तू रैप मत कर, तो वो रहने देते नहीं। बट वो ये सारे चीता बेबी वेबी जो जितने भी वेरिएशन है वो सारे सब 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 यानी मेरे और मूड पे डिपेंडेंट है। बहुत बढ़िया। नहीं मेरी बीवी को मैं ऐसे करके बुला लेती है, तो मैं चले जाता हूँ। अमित भाई आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी वाइफ आपको कैसे बुलाती है, क्या निकनेम क्या है? शी कांट कॉल यू एटी, शी कांट कॉल यू अमित, त्रिवेदी साहब भी नहीं बोल सकते। एक्चुअली मैं भी सोच रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, बट अमित ही बुलाती है। अमित ही बुलाती है मेरे को, सोच के ये पहली बार मेरा पहले सोचा इस बारे में, उसकी दुख हो रहा है कि मेरे को अमित ही बुलाती है ना। वो तो नीति बोलता है, जब से मैं मम्मी बनी हूँ मैं उसको बापू बोलने लग गई हूँ। बापू कम यार। ओके ईपीआर, यू नॉट मैरिड? यप। बट यू मैरिड टू म्यूजिक? एब्सोल्युटली। नो गर्लफ्रेंड? यस। तो गर्लफ्रेंड क्या बुलाती है आपको? फुल नेम आई थिंक। नो बट शी कॉल्स मी जेनेरिक stuff only, like babe, aise. Acha babe. Haan. Sometimes she call me Sunbeam. Sunbeam. Yeah. Oh my God. Oh. Sunbeam. Kya baat hai. That's nice. Yaar, usse dekha inke naamkaran ka scene hi alag. Sunbeam. But aap batao na, aapko kya bolna? To mere sir, ye correct question pucha Trivedi sir. So from apar shakti it became apar. From apar it became apari. From apari it became pari. To pari bulate kafi saare log mujhe. ठीक है मेरे, हाँ नीति भी खुद प्यारी बुलाती है, मेरे आसपास के सारे क्लोज लोग पारी बुलाते हैं मुझे। क्या मस्त पारिवारिक शो हो चुका है ये। बच्चे पारिवारिक सर, पारिवारिक सर, पारिवारिक
पारिवारिक। अब यार पारिवारिक बात हुई है तो हमें लगा क्यों ना हम श्वेता को भी कॉल कर लें, जरा पूछ ही लेते हैं कि कितना इसने सच बोला और कितना झूठ बोला है। उठा ले बस फोन। तुम्हारा फोन नहीं उठाती है? चलो अब तो उठा लेगी। उठा लिया फोन, उठा लिया। लिसन, पर अभी वही बोलो जो बुलाते हो आप। हाँ, क्या बुलाते हो? बेबी, बेबी, ओके, यू आर ऑन स्पीकर फर्स्टली। ओके, नाउ आई एम गोना गिव द फोन टू अपार शक्ति, योर फ्रेंड। हाँ जी श्वेता, व्हाट्स अप बड़ी, की हाल है? क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, एक तो वीडियो देखे, बहुत मजा आया, आई लव द सॉन्ग, एंड थ्री ऑफ यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, बिल्कुल फिनिश कर दिया है सबको आपने, है ना? अंदर से ही सारे इमोशंस और डांस मूव्स लग रहा है, सो एक बात पे ना जरा थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप स्लो चीता को प्यार से क्या बुलाते हो? ओह मैन, कम ऑन, से इट बेबी, से इट। प्यार का एक नहीं, प्यार के अनगिनत नाम होते हैं, इनमें से हम गिनने के लिए तैयार है, चलो। ओके, सो देयर इज वन इज सीपीसी, 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 वन इज मोटल किस। ओके, दैट्स अबाउट इट बेबी, आई थिंक वी आर ऑल राइट देयर। अगर चीता भी बोलती तो टोन क्या है, मतलब दैट ऑल्सो मैटर्स, लाइक चीता या वो मेरी बीवी है मैडम। अभी इनसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि अपने गाने को छोड़ के सबसे फेवरेट गाना कौन सा है आपका चारों में से। I want to ask you as well. I wanted to tell EPR as well. He stuck to his, correct, you know what he does best, and the kind of writing in that song is just incredible. Like, so I feel like this song is really, really special. But I am also a big, big fan of Hoodie, bro. Hoodie, Bali, Bali in the heart. Okay, so now according to the reunion verse rules, group को हर passing second के साथ expand होना पड़ता है। इसलिए let's call the girl जो music की आंधी है और वो rap star जिसने अपने शब्दों से दुनिया बांधी है। The very जबरदस्त सुरताल की आंधी निकिता गांधी and पंजाबी मुंडा सड़ा hip hop the share Bali in the house girl. Oh my God, क्या एनर्जी के साथ एंट्री हुई है ये तो यार। एक प्रॉब्लम है बस, आंधी पर निकिता गांधी के सामने ना कोई डाउन टू अर्थ नहीं हो पाता, वो आके उठा देती है। हम डाउन टू अर्थ हम्बल आर्टिस्ट हैं। बट निकिता बाली वेलकम यार, बहुत ही कमाल की एनर्जी और बहुत ही कमाल का गाना है। आर्टिस्ट को अपलिफ्ट कर। क्या बात है, क्या बात है। बट टॉक अबाउट हुडी यार, जो आपने अपलिफ्ट की है, यू नो, इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की एनर्जी। फर्स्ट टेल मी अबाउट योर कोलैबोरेशन विद निकिता। सो मुझे जब पता लगा कि निकिता के साथ करना है, सो आई वाज अ बिग फैन पहले से, मतलब मैं ग्रेट वॉइस एवरीथिंग, जॉइन द क्लब बडी, नहीं नहीं जॉइन द क्लब। सो आई काइंड ऑफ न्यू योर मैनेजर पहले से, सो वो निकल गया था। मेरी बात कर रहे हो ना, मेरी बात कर रहे हो ना, मेरी बात। हाय अपार शक्ति, कट मिल गया ना, कट मिल गया, कट मिल गया। मैं निकिता और नीति का यहाँ पे मैनेजर बन के आया हूँ। आपको लगा होस्ट करने आया हूँ? ओके, as long as आपको कट आ जाए। सो बात हुई सर, I had to create something unique, so I came up with this lyrics and all, जो भी quirky से funny लेकर आया, and then I just sent the song, and I think first या second take में perfect तरीके से balance out हो गया, and ये ही चाहिए हमें। पहले जब बाली ने गाना भेजा था, मुझे पसंद नहीं आया, फिर उसने ना थोड़ा लिरिक्स को ट्वीक करके मेरे बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके वापस भेज दिया। अभी तो ना नहीं बोल सकते। नहीं, बट बहुत कूल सा गाना हुआ है। इट्स वेरी कूल यार, वेरी वेरी कूल। वैसे निकिता की बात बोलूं मैं तुम्हें, जस्टिन के तुम्हारा किसी जमाने में गाने का मन नहीं करे तो कोरियोग्राफी का रोल भी पकड़ सकती हो तुम। व्हाट अ किलर डांसर, लव्ड इट। But fantastic, yeah. I think it's not only the song, but the video and also the dancing. बहुत ही कमाल की, you know, एक एक पूरा एक एक world shape up हो गया। तो यार देखो, तुम दोनों को ना आते ही I want to put in a spot. वो ये है कि मैंने इन सबसे पूछ चुका हूँ कि आप सबका favorite गाना कौन सा है। तुम दोनों का favorite गाना कौन सा है?
It's okay. अपने गाने के बाद यार। अगर ये सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना चाहते हैं तो रहने दो। मैंने तो पहले से ही बोल दिया मुझे अपना गाना पहले पसंद नहीं था। ओयो वाह क्या बात है। बट पहले पसंद नहीं था। पहले अब क्या पता। हाँ बताओ विच वन इज इट अपने गाने को छोड़ के। ऑफकोर्स आई थिंक द मोस्ट बिकॉज मैंने सारे गाने पहले से सुने till the end. It's okay, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई disclaimer बुरा मानने की बात। I think जिस गाने का genesis सबसे अच्छा हुआ है, was this one. Was this one? Okay. Yeah. Bali, what about you? मैं बोलूँगा डीनो भाई का। I actually मैंने पहले सुना, सुनो ना अपना पूरा flavor उस track में दिया। And I'm like, ये पूरी दिल की बातें हो रही है, so I love that track. चारों ही अच्छे हैं। तो यार, इससे पहले आप एक दूसरे को जानते थे? No. पहली बार मिले? Yeah. हमारी कोलैबोरेशन बहुत इजीली हो गया आई थिंक। फिर वोकल्स आई थिंक एक दिन की बात थी, जो सेंड योर वोकल्स हमें जरूरत नहीं पड़ी, इतने इजीली हो गया। एंड देन एवरीबॉडी वाज लाइक हां दिस इज द डांसिंग नंबर वी वांट। मैं कहता थैंक यू। एंड वी लाइक वी डिड वीडियो देख के काफी ज्यादा फन लग रही है। सर तीन कमाल के कोलैब्स मेरे पास हैं। चौथा कोलैब जिसके दोनों आर्टिस्ट हमारे पास नहीं है इस समय, उसमें से एक आर्टिस्ट के पास हम चलते हैं। देखो बहुत रॉयल कोलैब्स है। सो ऑन दैट नोट वी हैव जसलीन रॉयल इन द हाउस। वीडियो कॉल जरा प्लीज। Justine, you're looking pretty. What's up? Thank you. So are you. You're looking amazing as Thanks, always. Thanks, sir. आप मेरे साथ share कर सकते हो ये pink outfit. ठीक है done. Next time when we are performing together. So यार अभी बात हो रही थी तुम्हारे song के बारे में, you know, and Bali said that how it is his favorite song. और हम सबके favorite songs पूछ रहे थे. So Bali ने आपके गाने को चुना, and so he wants to quickly chat up with you on that. So, I had an option, hoodie exclude करना है मेरा और निकिता का गाना, favorite कौन सा है? But अगर hoodie exclude होता तब भी, I would have went with yours and Dino Bhai's track, amazing, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, I mean the Lord. So yeah, Justine, tell me something. I mean, you know, these are very quirky, very royal collaborations, है ना? So how was it collaborating with Dino? It was fun. I mean, I've never done something like this before. तो काफी अलग था, like I was focusing on the melody and he was focusing on the words and the rap. So video बहुत अच्छा लग रहा है, audio बहुत कड़क है, and I think this Thank is definitely you, very very different, very different from what we have seen of Dino and very different of what we have seen of you. So yes, that's the idea. तो मुझे बताओ कि audio किसने सबसे पहले किसको भेजा, कहाँ से मतलब journey start हुई? तो जो उसका एक hook है song का, अब पहले जैसी बात नहीं, तो मेरे को एक thought बहुत interesting लगा गाने का कि you know you outgrow friendships, you outgrow or your relationships. Correct. So there's no like I've never made a song about it. So it's about that. You know, life happens. It's nobody's fault. And yeah. So the song is about that, like how you move on and that feeling when you've not moved on. But yeah. Nice. Okay, chalo aisa hai. Baat kare tumhare gaane ke bare mein. So ho jaye do line. Ab pehle jaisi baat nahi. हम पहले जैसे खास नहीं, अब पहले जैसे साथ नहीं, ओ क्यों पहले जैसी बात नहीं। तो क्यूट यार, आई लव इट। मेरे को जितना ये वीडियो देख के मजा आया था, यहाँ पे और ज्यादा बिल्कुल टोटली एक ऑर्गेनिक फील में सुन के और ज्यादा मजा आया। बट थैंक यू सो मच जसलीन फॉर क्रिएटिंग द ओरिजिनल साउंड ऑफ द जनरेशन लार्ज। Thank you so much for that. But before I go, I just want to say hi to everybody. Hi. And I'm sorry I couldn't be there. But ये तो बहुत बुरा लगा जस्टीन। जल्दी से। ये तो तूने अच्छा किया, sorry बोल दिया। Bye जस्टीन, love you, see you soon. On that note, bye. Bye. Okay guys. तो यार जितने कमाल के गाने हैं उतनी कमाल की वीडियोस हैं, स्पेशली आई लव योर स्टेप यार। हुडी का जो यू नो एक यू नो देखते ही डांस करने का मन करता है। तो यार चारों गानों ने तो म्यूजिक से मैजिक दिखाया है, बट पाली निकिता आपके सॉन्ग की वजह से अलग अलग ना प्रॉब्लम शुरू हो रही है। सच बताऊं आपको, आपकी वजह से सोसाइटी में ना मतलब थोड़ा चेंज सा आ गया यार। बिकॉज जब से गाना रिलीज हुआ है हुडी, तब से ना लोगों ने घर पे पानी भरा हो बाल्टी का नहीं भरा हो, खाना खाया हो नहीं खाया हो, कोई मतलब पूरे दिनचर्या के काम किए हो ना किए हो, उन्होंने हुडी का हुक स्टेप जरूर ट्राई किया है। यू नो दैट्स द चेंज यू गाइस हैव ब्रॉट अबाउट। इसको देख कर ना मेरा खुद डांस करने का मन करता है। फिलहाल के लिए आपका डांस करने का मन करेगा, टेक अ लुक। तेरी बेस्टी ना फॉलो मारा हल्की बड़ी है, जुगनू में पहले से तू चमकी पड़ी है, गरारी तू मेरी सिर्फ तुझ पे अड़ी है, उड़ के देखा सोना पापा की परी है। हवा में उड़े तेरी गुड्डियों में, संडे तू मेरा तेरी छुट्टियों में, सुलझा लेना तेरी गुत्तियों में, सिर्फ इसे जाले तेरी हुड्डी हुड्डी। हवा में उड़े तेरी गुड्डियों में, संडे तू मेरा तेरी छुट्टी।
Fantastic! यार अब जब आपने देख ही लिया है तो मैन बिहाइंड दिस पावर पैक डांसेस जो चारों गानों में आपने देखी है प्लीज रे हैंड्स टुगेदर फॉर ओके रूएल इन द हाउस आई लव द कोरियोग्राफी ऑफ ऑल द फोर सॉन्ग्स बहुत ही मजे की एनर्जी है स्पेशली हुडी सो या आई मीन आपका फेवरेट गाना कौन सा है आपको भी स्पॉट में डालते ही है I think all four songs are very well. आपने शूट पे कुछ बोला था मेरे को नहीं किया मुझे वो exactly याद है. Dancing wise hoodie. All right. अच्छा dancing wise hoodie और otherwise yes. Or nice. If I'm in the car and listening to a song, that would be nice. क्या बात. Thank you. If Imtihan. I am chilling with friends and doing masti, that would be. Yeah. Okay. Lovely. Very smart. Very smart. Breakup wala ka nahi bola kuch. Super. Ye bhi I'm happily married. Happily married. Correct. I like very much. I know. If Ruel does this to you, it's his blessing. Yeah, I know. Sir, mere paas aapke liye step hai. But all the songs are mad fun. I mean, we were shooting like as if we were just playing around. You know, it was not like a shoot kind of thing. And I mean, all of them are like legends. Yeah, I mean, what are you talking about? Like, you know, it's a dream come true for me working with everybody. To be honest, I'll tell you, all four videos does not look like that. They have one common. Oh wow! Absolutely. What a compliment! So what a compliment! Such a beautiful imagination you have that up. Four different songs को four different you know look दे पाए हो and एक body language दे पाए हो which is amazing amazing तो एक step कोई बता दो आपका जो favorite है वो हम सब करते हैं मिलके चलो जी आइए guys on your mark Christina follow मारा हल्की बड़ी है जुगनू मैं पहले से तू चमकी पड़ी है गरारी तू मेरी सिर्फ तुझ पे अड़ी है उड़ के देखा सुना पापा की परी है शर्ट में फिट तू हो जाती है क्या बिना बात करे मुझसे सो जाती है क्या Ruel, thank you so much. आपने आज हुडी के अलग अलग वर्जन देख लिए है ना थैंक यू सो मच इट्स फैंटास्टिक मीटिंग यू एक बार जोरदार तालियां हो जाए Ruel के लिए फैंटास्टिक बारी थैंक यू Keep ruling the world, buddy. But फिलहाल के लिए मेरे पास एक और इंसान है जो खुद नहीं आ पाए फिजिकली यहाँ पर But we have somebody on the call. थोड़ी देर पहले Bali was talking about this song. Okay, Dino Paji, are you all ready on the call with us? Yes. Oh my God, what's up, buddy? How's it going? क्या हाल है? What's up? हाल बड़ा कॉन्ट्रास्ट है यार हम लोग यहाँ पर जंगलों में उल्टे लटके हुए हैं और यहाँ से आप लोग एकदम चमकता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए गाना चमक रहा है आप सब में कहीं सुना मैंने और बहुत सारा रिस्पॉन्स आ रहा है सब लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं बहुत सारा नर्वस था मैं बट थैंक यू एवरीवन फॉर दिस अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑफ आवर सॉन्ग दैट्स गुड एंड डीनो यार टेल मी समथिंग अबाउट योर कोलैब इट्स ऑल यूनिवर्स इट्स ऑल डिवाइन दैट हाउ वी क्रिएट सॉन्ग्स हमको कुछ नहीं पता रहता है हर गाना लिखने से पहले काफी नर्वसनेस होती है और ऐसा लगता है कि अब नहीं कर पाऊंगा सो इट जस्ट गॉड वर्किंग यू नो गिविंग अस द लाइंस गिविंग अस द ट्यून एंड एवरीथिंग वेंट टुगेदर वी क्रिएटेड समथिंग और वो ट्यून में हम लोग सब जैम कर रहे थे और वो उसमें एक हल्का सा एक सैडनेस था जब जसलीन गाना गा रही थी तो मेरे पास एक बहुत पुराना टाइटल था कि जो रिलेशनशिप में होता है कि कुछ गलत नहीं जाता होता है लेकिन वो पहली वाली बात नहीं होती है एंड यू मिस द स्पार्क And I said कि यार वो पहली वाली बात नहीं है तो वहाँ से गाना पिक हो गया है सही है वैसे Dino what is your favorite line out of the song कि साथ में नहीं पर बढ़ते ही जा रहे हैं हम खुशियाँ थी पहले अब दर्द के सहारे हम वैसे का वैसा पता नहीं क्या मिसिंग है पटरी के जैसे पर जुड़ नहीं पा रहे हम सो यू नो कि लिविंग टुगेदर सब कुछ साथ में रह रहे हैं लेकिन कनेक्शन और वो स्पार्क मिसिंग है
बिल्कुल सही कह रहे हो, पटरी के जैसे नहीं जुड़ नहीं पा रहे हैं, बट आई एम ग्लैड कि हम जुड़ पाए इस वीडियो कॉल के बदौलत. सो ऑन दैट नोट यार, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून व्हेन यू आर बैक इन इंडिया, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द मैसिव कमाल के गाने और कमाल की स्टोरीज और कमाल के यू नो कमेंट जो साथ साथ आ रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द आर्टिस्ट फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल. बट अब जिसकी बात करने वाला हूं, दो लोग अभी भी हैं जो मिसिंग हैं. ऑफ कोर्स इस आर्मी में जो दो कमांडर्स हैं जो मिसिंग हैं, जिन्होंने रॉयल स्टैग बूम बॉक्स के ऑन ग्राउंड फेस्टिवल्स में नेक्स्ट लेवल परफॉर्म किया और सबको एंटरटेन किया. टेक अ लुक, क्या धूम मचा के आए हैं वो. कौन है वो दोनों सरकार? It's your boy Badshah. Absolutely. And साथ में and our Man Malik. Okay. Take a look, guys. क्या कमाल का माहौल बनाया इन दोनों ने. Arman and Badshah, what a fantastic show! And Arman will join us in a bit. और उससे पहले उनसे connect करते हैं, जिनसे मिलने के लिए हर कोई रहता है बेकाबू, जो हमारे हैं DJ वाले बाबू and the king of hip hop. Please welcome, it's your boy Badshah. Badshah Paji in the house. What's up, Paji? What's up, everyone? How are you, Baji? A big congratulations to everyone from Royal Stack Boombox and for your super amazing collaborations. I have seen all the music videos and the vibe of every music video is so cool and so unique. Whoa, fantastic. Whoa. So, Mera question hai Badshah ke liye. You know, hip-hop abhi, I think, sabse popular genre ban chuka hai. In India, in the world also, and to some extent, but Indian audiences love hip-hop. So, what do you feel ki... What is that X factor in hip-hop which connects with people? Hip-hop is here to stay. Hip-hop has taken over. हाँ, मानता हूँ शुरुआत थोड़ा फैड से हुई थी, थोड़ा दो दो तीन तीन चार चार लाइनों से हुई थी, बट अभी फुल फ्लेज्ड टेक ओवर हो गया है. एब्सोल्युटली पाजी, बट आप EPR से भी कोई सवाल पूछना चाहते थे शायद. EPR मुझे बस ये बता दो, मिजाज वक्त काफ्का का क्या मतलब है? कहाँ से लाते हो ऐसे वर्ड्स? So, बादशाह भाई, मिजाज ए वक्त मीन्स नेचर ऑफ टाइम, एंड मिजाज ए वक्त काफ्का विच इज नॉट एक्चुअली अ वर्ड, लेकिन मैंने ऐड किया इसको. काफ्का इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, एंड सो बेसिकली इट मींस मिजाज ए वक्त काफ्का, द नेचर ऑफ टाइम इज काफ्का-esque. वाह, क्या बात है यार, EPR फैंटास्टिक यार. चलो अभी अब सारे बैठे ही हैं तो हाँ, एक चैलेंज देता हूँ तुम्हें बादशाह स्टाइल में, अपने स्टाइल में. तो रेडी हो? Absolutely. Let's go. तो मैं ड्रॉप करूंगा एक धमाकेदार बीट, आप सबको डालनी है इसमें अपने फ्री स्टाइल की हीट. सो लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. यस बाजी. हेलो हेलो, माहौल बन गया, बाली आया, लॉल बन गया, हाई लेवल है संगीत, बैड बॉय ऑन द बीट, रॉयल स्टैग बूम बॉक सॉल बन गया. Yo, from Salt Lake all the way to Jodhpur Park, make sure hip hop is never a forceful lot. Freestyle all the way from Gurry your heart. Royal style, boombox, it's on my heart. Come on. Whoa, whoa! क्या बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, गलियों में जाके देखो जरा अपनी खुददारी, सदियों की रही ये रीत है जब आती जवाबदारी, जीन पहने हम साड़ी है जीत की तैयारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी. ओके, नारी से मैं कंटिन्यू करूं? निकी जे इन द हाउस, यू कैन कॉल मी महारानी, रानी
Rani, Rani, you can call me Maharani, Rani, 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 call me Maharani, Rani. Rani, Rani, call me Maharani, Rani, Rani, call me Maharani, Rani, Rani, call me Maharani, Rani, पूरे होते हैं यकीन कर हवा हूँ मैं उड़ूंगा पैर रख कर जमीन पर जो चाहू वो करूँ लाइफ चलती है मेरे बीट पर क्या बात है okay, I think this is absolutely fantastic. ये चलती रहनी चाहिए ऐसे प्यार मोहब्बत चलती रहनी चाहिए थैंक यू सो मच बादशाह बाजी थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी हियर ट्रूली लव्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्रेजी स्क्वाड एंड द रीयूनियन सी यू ऑल वेरी सून टिल देन म्यूजिकल वाइब्स ओनली कीप बूम बॉक्सिंग ओके थैंक यू सो मच बादशाह बाजी इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ओवर देखो ऐसा सभी आर्टिस्ट की बात हो चुकी है एंड यू टॉकिंग अबाउट बादशाह बाजी हम उनसे बात कर ली यू टॉकिंग अबाउट समबडी उससे बात करना अभी बाकी है इसलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स कनेक्ट विद द मैन हु नोज हाउ टू रूल एवरी बीट इंक्लूडिंग फैंस की हार्ट बीट अरमान मलिक गाइस व्हाट्स अप बडे ओके सो ब्रो हेलो एवरीबॉडी सरप्राइज सरप्राइज सो नाउ दैट आई एम हियर व्हाई डोंट वी हैव सम धमाल एब्सोल्युटली यार अरमान धमाल तो हमने करना ही है साथ साथ में यहाँ पे आई थिंक ईपीआर हैज समथिंग फॉर यू ब्रो अरमान भाई I just wanted to ask, like we as musicians, we always look for an inspiration. We always need a constant inspiration to write or make music. What is your source of inspiration? तो जब भी मैं सॉन्ग राइटिंग करता हूँ मेरे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही हैं चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो या खुद के लव लाइफ के बारे में हो या खुद के लाइफ के बारे में हो आई ऑलवेज सीक इंस्पिरेशन अराउंड मी एंड उस पर गाने बनाता हूँ या कभी कभी ऐसा लगता है कि यार किसी आर्टिस्ट का एक कुछ अच्छा गाना लगे एंड वी लव द बीट तो उससे इंस्पिरेशन लेके हम समटाइम्स यू नो वी कुक अप अ बीट सो इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है आई फील कि एज आर्टिस्ट हमें खुद को रोकना नहीं चाहिए ऑलवेज सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड अस थैंक यू सो मच अरमान थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ रॉयल स्टैग बूम बॉक्स रीयूनियन बैश यार आप सबने जो धूम मचाई है पांचों सिटीज में लेट्स टेक अ क्विक लुक एट ऑल द फाइव सिटीज का माहौल यार मुझे एक बात बताओ नीति विच इज योर लिव इट लार्ज मोमेंट अब जब मैंने ये देख ही लिया है कि ये माहौल बना के आए हो आई एम श्योर वहां पे कोई ऐसी चीज हुई होगी जो आपको लगा होगा ओह माय गॉड दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वो कौन सा था व्हेन वी वर परफॉर्मिंग आवर सॉन्ग इम्तिहान इन देहरादून एट द कॉन्सर्ट आई थिंक वो लिव इट लार्ज मोमेंट हो गया हमारे लिए ब्यूटीफुल बाली बाजी व्हेन यू वेंट ऑन द स्टेज जब आपने ये माहौल देखा कि ओह माय गॉड दिस इज द ऑडियंस आई वांटेड तो वाज इट लिव इट लार्ज इनफ सो मेरी शुरू से ड्रीम रही है जब बचपन में सबके कॉन्सर्ट्स देखा करते थे कि आई वांटेड एवरीबॉडी टू शाउट माय नेम लाइक बेसिकली चांट करें तो हाँ शोज में स्टार्टिंग में हुआ बट दिस टाइम आई थिंक इंदौर स्पेसिफिकली व्हेन वी स्टार्टेड व्हेन निकिता अपने सेट के बीच में शी इंट्रोड्यूस्ड मी विद दैट हुडी ट्रैक एंड एवरीबॉडी वाज मेस्मराइज्ड ऐसे देख रहे थे वीडियो बस देख रहे थे वहां पे सो आई थिंक वो मोमेंट बहुत बढ़िया था वी रियलाइज दैट टाइम की बेस्ट गाना है ये क्या बात है हम दोनों का अलग से लाइक यहां पे नहीं मे बी नॉट वाह क्या बात है ओके निकिता ऑफ कोर्स यू हैव यू नो परफॉर्मड एट वेरियस स्टेजेस एंड आई एम श्योर हर सिटी का हर टूर का एक अपनी वाइब रहती है सो इसमें लिव इट लार्ज कौन सा मेरा एक पर्टिकुलर मोमेंट रहेगा सिमिलर एक्सपीरियंस कि गाना निकलने के पहले ही इतना
यू नो रिलेटेबिलिटी हो गया था, पीपल वर वाइबिंग टू द सॉन्ग. बट फॉर मी आई थिंक अनदर स्पेशल प्रॉब्ली लिविड लार्जर मोमेंट वॉज आई वॉज वन ऑफ माई शोज वॉज बिटवीन स्लोचिता एंड अमित, एंड उनके बीच में मेरा सेट था. एंड देन अमित के साथ I went and performed like one of the latest songs that I did with him. Audience was also insane. Amazing. Point yehi hai ki collaboration and there's this friendship that is there sare artists ke beech. And even though Bali and I collaborated, I went and sang in Amit's set. And mujhe unka set वैसे भी इतना crazy है. हम लोग audience में खड़े होके देख रहे थे. फिर मैं दौड़ के गई और मैंने भी perform किया. That was like an epic moment for me. But sir, tell me now, how was this different from you know? So many tours that you have done. It was very different because, like, you see that feeling every time that the moment I go on stage, till the time I come on, come down, each and every song, each and every word, we don't have to sing also. They are singing. Wow. And I have like what a beautiful feeling. It feels obviously feels great, and it is always a beautiful and a humbling feeling. So my dear friends, Mahakavi Apar Shakti Khurana ka kehna hai, exchange dunia ka keval ek matra satya hai. बर्तन के लिए कपड़े एक्सचेंज हो जाते हैं, पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करके लोग नई गाड़ी ले आते हैं. इसलिए खुराना वांट्स टू पुट दिस पैंथरा पुराना इन सभी पार्टनरशिप्स और कोलैब्स को उथल पुथल करना चाहता हूं. दिस इज द लिव इट लार्ज मोमेंट. चलिए गाइस, आर वी रेडी? ओके, जहां ईपीआर नीति के साथ नहीं निकिता के साथ होने वाले, स्लो चीता नीति के साथ पार्टनर होंगे. ओके, तो इस चैलेंज में आपको अपने कोलैब आर्टिस्ट के साथ ऑन द स्पॉट एक गाना बनाना होगा. सो लेट्स प्ले बोल बेबी बोल. सो एपीआर एंड निकिता, योर लाइंस. पानी गया मुझे बाल्टी ला दो, बाल्टी नहीं है तो मग्गा दिला दो. मग्गा. पानी गया मुझे बाल्टी ला दो, बाल्टी नहीं है तो मग्गा दिला दिला दो. ये इतने बड़े लिरिसिस्ट. ओके एपीआर, एपीआर. पानी गया मुझे बाल्टी ला दो, बाल्टी नहीं तो मग्गा दिला दो. अरे दे दे भाई. पानी गया मुझे बाल्टी ला दो, बाल्टी नहीं तो मग्गा दिला दो. पानी गया मुझे बाल्टी ला दो, बाल्टी नहीं तो मग्गा दिला दो. क्या बात है. फिलहाल इस अपार सफलता के बाद बारी है स्लोचिता और नीति की. टफ कंपटीशन है. बोल हैं, दूध फट गया है उसे सी लो, वरना फटा हुआ दूध ही पी लो. अरे बाप रे. ए ए ए ओ ए ओ दूध फट गया. और फट गया और दूध फट गया. क्यों फट गया? दूध फट गया उसको सी लो, वरना फटा हुआ दूध ही पी लो. अबे सीलो सीलो फट गया उसे सीलो सीलो पीलो, वरना फटा हुआ दूध पीलो पीलो पीलो. मैं कह रहा हूँ सीलो. Oh, 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 oh. यार ये बहुत मुश्किल था जो आप सबने किया, ये जेन्युइनली मुश्किल था. तो यार ऐसा है, उस तरफ जाने की बारी है, गोल्डन स्टैग वॉल की तरफ. अगर आप, मैं कह रहा हूँ, वॉक डाउन कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं. इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल ओवर. ओह माय गॉड, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस. फैंटास्टिक गाइस. एंड एज दे से, वेयर वर्ड्स फेल म्यूजिक स्पीक्स, यू नो. And I believe Royal Stag Boombox has spoken volumes. And you have definitely written history with this. Everybody, this was the epic Royal Stag Boombox reunion bash. Fun came. Reunion pe. We'll be back with new and fiery collaborations. So stay tuned for more Chartbusters. And till then, live it large. Royal Stag Boombox.